हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। mdumaexam यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के, जिन्होंने जुलाई 2020 के सेशन में एडमिशन लिया है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में डिस्टेंस से, और जिनके एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल 2021 में ऑफलाइन मोड में हुए थे, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो अब उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में जुलाई 2021 में हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है, उनका पेपर कोड रहेगा आपका 20POL21C3 आपका पेपर कोड रहेगा। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, नीचे नोट में क्या लिखा है देख लेते हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक इकाई से आपको 1 क्वेश्चन करना है। प्रत्येक इकाई में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। जो आपकी प्रश्न संख्या 9 है, इकाई नंबर 5 वो आपको करनी अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक आपके समान रहेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आपकी इकाई नंबर 1 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताइए तथा इसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए, 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आदर्शवादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। 16 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन आपको प्रत्येक इकाई से करना है। उसके बाद जो आपकी इकाई नंबर 2 है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ बताइए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व जनमत पर एक लेख लिखिए, 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक इकाई में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना है। जो आपकी इकाई नंबर 3 है उसमें आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय हित का अर्थ बताइए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आपका इकाई नंबर 3 से 6 क्वेश्चन रहेगा, कूटनीति का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। जो आपकी इकाई नंबर 4 है उसमें 7वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध का अर्थ बताइए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए। जो आपका 8वां क्वेश्चन है, इकाई नंबर 4 से गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए तथा इसके आधारों का वर्णन कीजिए। 2 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक इकाई में 1 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो आपकी इकाई नंबर 5 वो आपको करनी अनिवार्य है, उसमें आपको 8 पार्ट दिए गए हैं, 2 नंबर का आपका 1 पार्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, विचारधारा, विदेश नीति, नैतिकता। उसके बाद जो आपका अगला पार्ट है, शक्ति संतुलन है, वार्ता, खेल सिद्धांत है, सामूहिक सुरक्षा, मानव अधिकार। ठीक है, तो 8 पार्ट आपको दिए गए, 2 नंबर का आपका 1 पार्ट रहेगा, 16 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जिनके पास है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट है, उनके क्वेश्चन पेपर के बारे में हमने बात की है। अगर आप अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, डिस्टेंस स्टूडेंट हैं, उनके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो मैंने बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीधे वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे सीधे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल mdumaexam को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।